भारत और चीन की सीमा पर जिस तरह का गतिरोध पिछले दिनों में बढ़ा है, जिस तरह का धोखा चीन ने भारतीय सैनिकों को दिया है, उसके बाद और उससे पहले भी भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ड्रोन्स की जरूरत पड़ती रही है। चीन ने भी भारत पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स की तैनाती की है। अब गंभीर हालात में भारतीय सेना को ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए कहा गया है, तो इसके लिए चीन और भारत ने एलएसी की निगरानी के लिए कुछ ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है। भारतीय सेना अपने भरोसेमंद क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल एलएसी पर कर रही है। इसकी क्षमता भले ही सीमित है, लेकिन इलाके का क्लियर कवरेज देने में ये ड्रोन सक्षम है। एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर ये पूरे एरिया को स्कैन कर सकता है। इस क्वाडकॉप्टर में दिन और रात के अलग अलग कैमरा लगे हैं। इसे मुख्य रूप से इन्फेंट्री बटालियंस यूज करती हैं। दुश्मन की तैनाती की जानकारी पहले ही दे देता है क्वाडकॉप्टर। क्वाडकॉप्टर के अलावा इजराइल ने भारत को हिरॉन के नाम से एक ऐसा ड्रोन दिया है जो लंबे वक्त के इस्तेमाल के लिए सबसे खास है। रणनीतिक रूप से अहम मिशंस में इसका इस्तेमाल होता है। सेना की उत्तरी कमान इसका इस्तेमाल कर रही है। इसकी खासियत यह है कि 35,000 फीट तक की ऊंचाई से नजर रखता है। इसमें 45 घंटे का बैटरी बैकअप है। 1000 किलोमीटर तक की रेंज को हिरॉन कवर कर सकता है। हिरॉन के सेंसर्स रियल टाइम में डेटा भेजते हैं, यानी कि किसी भी तरह के इलाके में इंटेलिजेंस सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन को इस ड्रोन के जरिए अंजाम दिया जा सकता है। कवरेज की बात करें तो ये इतना तेज है कि ये बिना एलएसी पार करे ही चीनी सेना के ठिकानों का पता लगा लेता है। डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की मदद से ये चलता है। वहीं चीन की बात करें तो माना जा रहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लेस मैविक 2 एंटरप्राइज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। माना जा रहा है कि बॉर्डर पर भी चीन अपने इसी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा AR-500C चीन का पहला अनमैन हेलीकॉप्टर है, जिसे पठार वाले इलाकों में उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ने वाला ये ड्रोन 5 घंटे तक का बैकअप देता है। ऊंचाई से फायरिंग करने में भी ये सक्षम है। मैक्सिमम स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब बात करते हैं चीन के विंग लूंग आर्म ड्रोन की, जो कि 2 वर्जन में आता है। वर्जन 1 में 2 लेजर गाइडेड बम या मिसाइल ले जाने में सक्षम होता है, लेकिन जो इसका एडवांस्ड वर्जन है विंग लूंग 2, वो अपने साथ 12 मिसाइल या बम ले जा सकता है। मीडियम एल्टीट्यूड और एंड्योरेंस वाला ये ड्रोन दिन और रात दोनों वक्त का डेटा जुटा सकता है। करीब 32,000 फीट तक जाने वाला ये ड्रोन 32 घंटे का बैकअप भी देता है।